अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड डेफिनेशन ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स, जो प्रीवियस 10 ईयर से बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं, और गेस्ट पेपर 2025 में भी यही सिलेक्ट की गई हैं, और इंशाल्लाह हमारे पेपर जो 2025 में आने वाला है वो भी इसी में से ही आएगा। तो जो स्टूडेंट्स इनको मैथ टफ लगता है तो वो एमसीक्यूज़ या डेफिनेशन से वो मार्क्स जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास 18 to 20 मार्क्स की जो है वो सिर्फ डेफिनेशंस और इस तरह के क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाली लगी हूँ पेपर में आते हैं, तो इनसे भी आप जो है मार्क्स जो है वो अच्छे गेन कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स भी और टॉपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए सारा पेपर ही एम होता है, तो वो भी जो है ये वाले डेफिनेशंस प्रिपेयर करेंगे, तो वो डेफिनेशंस वाला पोर्शन जो भी आएगा वो भी इजीली कवर कर सकेंगे। उसके अलावा मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड जो है एमसीक्यूज़ भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, पेयरिंग स्कीम भी, सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप वो वाले फुल वीडियोज़ देखें और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करें, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। चले हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड डेफिनेशंस। जी स्टूडेंट, जो पहले डेफिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, और आपने अगर डिफरेंशिएट आएगा तो आपने इसके दरमियान में लाइन लगा के डिफरेंशिएट करके इनको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसके साथ अगर आपको इसकी कोई एग्जांपल आती हो तो वो कर लें, लिख लें, तो वो उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, इस तरह की प्रॉपर्टीज़, ये वाली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस तरह की वो भी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, तो आपने उसकी फुल फॉर्म भी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोर वाला, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेट एंड पावर सेट का डिफरेंशिएट आ सकता है, इसको भी आपने डिफरेंशिएट लाइन लगा के करना है। जब भी आपको डिफरेंशिएट आए इसमें लाइन लगा के और एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आ सकती है, वो भी डिफरेंशिएट में। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री की आ सकती है, फंक्शन की आ सकती है। उसके बाद इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट आ सकता है, तो आपने इसकी डायग्राम के साथ डिफरेंशिएट कीजिएगा ताकि आपको अच्छा इंप्रेशन पड़े। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप की डिफरेंशिएट आ सकता है, ग्रुप एंड सेमी ग्रुप का, स्केयर एंड स्केलर मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनमें से एक भी नहीं छोड़नी, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये वाली डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे, इनको याद कर लेंगे, तो आप जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है वो इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशंस वाला पोर्शन जो है वो टफ लगता है इनको याद करना, तो आप जो फ्रेश जब आपका माइंड हो तब इनको प्रिपेयर करें, तो आप जो है वो इजीली इनको याद कर लेंगे, ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये 15 वाली डेफिनेशन है डायगोनल और ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, इसका भी डिफरेंशिएट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स, ये वाला तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद जो है टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, आप इसकी फॉर्म भी लिखिएगा किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ कोई एग्जाम्पल दे दीजिएगा, और इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर उन्होंने पूछी हो तो आपने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है। उसके बाद हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन डिफरेंशिएट में आती है। उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अक्सर पेपर में यही वाला क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको भी जो है डिफरेंशिएट में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है, इसकी भी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, पार्शियल एंड रैशनल फ्रैक्शन की है। उसके बाद इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आ सकती है, ज्योमेट्रिक की आ सकती है, हार्मोनिक की आ सकती है, या ये सेपरेट भी आ सकते हैं, इनका डिफरेंशिएट किसी भी दो का आ सकता है, ठीक है। तो आपने जो है तीनों भी है अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। उसके बाद 26 वाला क्वेश्चन है, इसमें सर्कुलर परमुटेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी जो है, ये वाली डेफिनेशन का कंपेरिजन आ सकता है, वो भी आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैम्पल स्पेस एंड इवेंट, जो लास्ट चैप्टर है ना वो तो डेफिनेशंस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले जो है अपने डेफिनेशंस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। सैम्पल स्पेस एंड इवेंट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी अक्सर डिफरेंशिएट पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। उसके बाद बायनोमियल थ्योरम, उसकी फॉर्म वो पूछ सकते हैं, ये भी आपने याद करना है। ये तो हमारे पास लॉन्ग में या शॉर्ट में भी पूछा जाता है।
क्वेश्चन टाइप में, तो आपने ये वाली जो अगर वो फॉर्म पूछेंगे तो आपने डेफिनेशन में उसकी फॉर्म लिखनी है, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो लॉ ऑफ साइन को साइन और टेंजेंट कह रहे हैं, ये भी आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो केस वन टू तीनों केस हैं, वो भी आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद सर्कम सर्कल और इन सर्कल, इसका भी डिफ्रेंशिएट आता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो 37 डेफिनेशंस बताई हैं, जो स्टूडेंट्स जो है पासिंग मार्क्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए 37 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस अपेयरिंग स्कीम के साथ साथ मैंने आपको बताए हुए हैं कि किस चैप्टर से कितने आने हैं, तो आप जो पासिंग मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो उससे काफ़ी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच करें और पेपर में अच्छे मार्क्स लाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching and like, comment and subscribe.